उबलती आग, उबलती आग, ये सामने सहरा देखें, ये सामने सहरा और उस तरफ वो घर और साथ ये दूसरे घर, ये हमारे हमसाये कितने करीब है ये आप देख लें, बड़ी दूर दूर है, यहाँ पे कोई यानी कि यहाँ पे करीब नहीं है, दूर दूर। मैं आपको बिजली दिखाता हूँ यहाँ पे, ये इस तरफ ज़रा नज़र आएगी मुझे, साय पे खड़ा होऊंगा मैं भी यहाँ पे दरख्त के साय के नीचे, ये देखें ये आपको बल्ब जलता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा इस तरफ मैं आपको ज़रा एक दिखाने लगा, वो सोलर प्लेटें आप देख रहे हैं, सोलर प्लेटें में जो लगी हुई हैं, उस तरह का हम भी सिस्टम चाहते हैं कि हमारा भी लग जाए, और इससे ना कोई टेंशन ना लेना ना देना, उनकी तो मोटर भी लगी हुई है, साथ घर का इंतज़ाम भी करते हैं, इनकी ज़्यादा इंतज़ाम उनका बड़ा कम से कम तो 20-25 लाख के लगभग उसका एस्टीमेट है, लेकिन हमारा उससे कम है, हमारा कम है। और बेगम ये देखें आपके सामने किस तरह उदास खड़ी, इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, और ये दरख्त के साय के नीचे, ये देखें दरख्त का साया क्या है, ये टाली, और यह सिर्फ गेट के ऊपर साया है, और इस तरफ यहाँ धूप ख़त्म, धूप आ गई, ये देख लो इधर कोई फायदा भी नहीं है, अल्लाह करेगा, अल्लाह अल्लाह देगा, इंशाल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। गर्मी शदीद है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, ऐसा नहीं फरमाए। बाकी बेगम को कहूँगा यही सलाम भी करेगी आपको और दुआएं भी यही देगी, और बहुत सारी बहनों ने भाइयों ने दुआओं को कहा है, कोई बीमार हैं, कोई उम्मीद से हैं, तो अल्लाह ताला उन सबकी परेशानी दूर करे और अल्लाह ताला नेक औलादा फरमाए, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और बीमारियों से निजात दिलाएँ। आमना देखे आके अपनी माँ को इशारा कर रही है, आमना कह रही है अल्लाह, ये देखे उसकी माँ समझ गई, यूँ इशारा करी, कुरान पाक पढ़ने जाना है, लुपट्टा दो सर पे। चले जी यहीं से हम आगे वीडियो शुरू करेंगे, पहले बेगम मेरी लुपट्टा देखेंगी, उधर देखे मेरी बेटी जो है ना फातिमा कैशा मुंह वजू कैसे कर रही, कितनी मुश्किल होती है, लेकिन ये चोटी बहुत नीचे है क्योंकि ये बनी हुई थी जानवरों की, बहुत नीचे है और इसको बाथरूम इसके ऊपर जो है ना इसकी तमीरत करेंगे, इसके ऊपर तमीरत करके और इसके ऊपर अलग से हम टैंकी बनवाएंगे, टैंकी बनवा कर जो है ना फिर जो है टूटियों का इंतजाम भी किया जाएगा, दोबारा पानी की वायरिंग का सिलसिला दोबारा किया जाएगा, क्योंकि दरअसल पहले का जो हुआ हुआ था वो तो था जानवरों के लिए, उनके लिए दुरुस्त था, लेकिन हमारा इंसान है यकीन बर्तन तो धोते हैं बच्चे, लेकिन मेरा ज़मीर सच्ची बात है गौरा नहीं करता, बच्चों का भी नहीं करता, बेगम तो वो बेचारी बोल नहीं सकती, सो नहीं सकती, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन खैर इसके ऊपर टैंकी बनवा के अपना ऊँचा करके वाशरूम की छत भी डल जाएगी और उसके ऊपर टैंकी आ जाएगी, टैंकी रख के फिर पानी की वायरिंग का सिलसिला किया जाएगा। और बेटी मेरी को देखें वो पहुंच गई है, लुपट्टा दे दिया है बेगम ने सिर पे लुपट्टा, अब वो खुश हो गई है, वो देखें अब उसने क्योंकि आगे कहा कि मैंने लुपट्टे के बगैर नहीं जाना, छोटी मासूम सी बच्ची आ रही, उसको तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह यानी माँ वाले के बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बच्चे माशाल्लाह समझदार, उनको संभालती है सही तरीके से, केयर करती है मुकम्मल, तो अब उधर देखे दूसरी बेटी आ गई, उसमें वो भी वजू करने लगी है, आयशा गुल भी वजू करने लगी है उसी टोटी पे, कितनी मुश्किल होती है, अब इन्होंने कुरान पाक पढ़ने जाना है, और बेगम को कहूँगा आप सलाम भी करो, दुआ भी करो, दुआ कर रही है अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाले दे, आमीन 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 आमीन। और जिनके ऊपर पैसों का कर्जा है ना, ऐसे कर्जा है देने लोगों ने, अल्लाह उनके कर्जे भी उतार दे, अल्लाह उनके कर्जे भी उतार दे, अल्लाह कर्जे भी उतार दे, और अल्लाह अपनी गेब से मदद आ करे, गेब से मदद करे, इशारों से कह रहा हूँ कि दुआ करे, गेब से मदद भी ता करे, और यूँ परेशानी जो अल्लाह तआला सब हंसता मुस्कुराता कर दे, फिट कर दे, दुआ करो, आमीन आमीन। और आज का व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है, आपकी मेहरबानी होगी। शदीद गर्मी है, बाहर सफर करके आया हूँ, तकरीबन इस वक्त 1:30-2 का टाइम होने वाला है दोपहर का, और मैं सुबह से गया था और अब आया हूँ, और यकीन जाने मेरे लिए इतनी मुश्किल है कि मैंने ये टांगे उतारनी, हवा लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने चला तो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका बड़ा कर मेरे चेहरे पे पसीना देखे बार बार टपक रहा पाने, और ये केले जो मैं बता रहा हूँ ये लेके आया हूँ, ये काफ़ी सारे जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 4 दर्जन 320 रुपये का 80 रुपये दर्जन मिला, और जो गुच्छे वाला था वो था 250 से लेकर 350 रुपये रेट था,
यानी ये इस तरह का जो केला है ये 300 रुपए का एक दर्जन था, इस तरह का जो गुच्छे के साथ, वो भी तोड़ के खाना था, ये भी टूटा हुआ। फिर मैंने इसका रेडी पे पता किया, कम पैसे रेट करते कराते 80 रुपए दर्जन के हिसाब से मैंने ये 4 दर्जन ले लिए 300 पीस के, जबकि वो गुच्छे वाला लेना था तो एक दर्जन यदि मुनासिब इसके साथ इनका मिलना था या 350 का दूसरे वाला दर्जन था। इस तरह यानी कि कहने का मकसद ये था कि ये बचत होगी, फायदा हो गया, वो भी तोड़ के खाने ये भी तोड़ के खाने। लेकिन बच्चों ने इतराज़ नहीं किया कि बाबा आप इस तरह क्यों लेके आए, बेगम ने भी कोई इतराज़ नहीं किया कि आप इस तरह क्यों लेके आए, गुच्छे वाले भी तोड़ के खाने ये भी खाने, जबकि केला ये भी साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह जी अपना फाल से डेढ़ एक पाव तकरीबन अपना नींबू, नींबू की शिकंजी पियोगी कि देख रहे कह रही नहीं, ये तो शौक से खाओगे ना, ये खाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी हो रही कि बेगम इजाफी अपनी मर्जी से खाए, जितने मर्जी खाए, बच्चे भी खाएंगे, मुझे खुशी होगी। अगर मैं ये 4 दर्जन यही 300 वाला लेता तो 1200 रुपये के बनने थे, 1200 रुपये के, इस तरह 320 में काम हो गया। हमने अपने हालात को भी देखना है, अपनी जरूरत को भी देखना है, क्या क्या हमारे मसाइल हैं, हमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हमने कोशिश करके दुरुस्त करना है इंशाल्लाह। बेगम को सहूलतें देनी है आसानी के साथ, वो कोशिश में लगे हुए हैं ताकि इसकी ज़िंदगी में सुकून आ सके। बाकी रूम में आप देखें हमारा सारा सामान, ये संदूक आपके सामने पड़े हैं और ये सिर्फ अलमारी की जगह काम आ रही है, वो टूटी हुई है और खिड़की टूटी हुई वो भी ख़त्म और ये चार भी टूटी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो सही हमारे पास। अल्लाह का शुक्र, सलाम करो, सलाम दुआ दुआ करो, दुआ करो आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया जी। देखिए जी हमारा ये पीछे दस्तरखान की जगह मुकम्मल कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ जो है ना बेगम की आसानी के लिए, बच्चों की आसानी के लिए हमने इसको जो बनवाया है और यहाँ बैठ के खाना खाएंगे पठानों के बच्चों की तरह, अरबियों की तरह इंशाल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूके से बहन है, उसने तावन किया था इस सिलसिले में, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ जो है हमने जो बनवाया है पीछे और रोशनदान टाइप की, यानी कि बर्तन रखने के लिए किस्म का किचन स्टोर है बर्तन रखने के लिए, तो वो भी बनाया। और मिस्त्री साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने बनाया बड़ी मेहनत से और उनके अभी तक देखें कि पसीना ही पसीना है। अल्लाह ताला इन्हें अजर अज़ीम अदा करे, इन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ और सही रहनुमाई करके हमारा ये इन्होंने बनाया है। आप खुश हो, दुआ करो उनके लिए, आमीन 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 या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। और इनका भी शुक्रिया अदा कर रही है, इनका भी शुक्रिया अदा कर रही है और आपका भी शुक्रिया और आपको दुआएं दे रही है और आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साबर तेल कह रहे सरसों का लगाने के लिए, देखिए मेरी समझ में नहीं आया, मैंने पूछा आपके सामने कैमरे में, मुझे भी नहीं पता था ये भाई क्या कहेंगे, तो बेगम मेरी को समझ आ गई कि वो उधर से जो ना तेल लेके आ रही है। और आप देखिएगा यकीन जाने कि मैं हालांकि मेरी तो ज़िंदगी गुजरी बेगम उसके साथ करीब 17-18 साल हो गए, मेरी समझ में नहीं आया ये तेल लेके आ गए, क्योंकि तेल लेके आए और हाथों पर तेल लगाएंगे अपनों को, क्योंकि सब काम करते रहे और हाथों में वाकई जो अंदर थोड़ी थोड़ी जख्म बन जाती है, खरेशें बन जाती हैं और उसके अंदर सीमेंट जज़ब हो जाती है, तो फिर वो इन्हें तकलीफ देते हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, हम आपको जो है ना साथ साथ अपडेट देते रहेंगे, जैसे हम यहाँ बैठेंगे फिर आप इस्तेमाल करेंगे वो दिखाएंगे आपको। फिलहाल इसे इस्तेमाल हम 2-3 दिन नहीं कर सकते, हम इसकी अब ट्राई करने लगे हैं, क्योंकि मिस्त्री कह के गया था अगर धूप अच्छी ली गई तो फिर जो है ना आपने ट्राई करना है, ठीक है जी। ऊपर वाले का तो इशू नहीं था, लेकिन ये सेटअप पे जो है ये भाई इसका इशू था, ये भाई उतर सकता है, इसलिए कि आप इंतज़ार कर लेना दोपहर को अपना कीजिएगा क्या नाम है ट्राई, अगर यानी कि मौसम ठंडा हो, अगर धूप निकली हो अच्छी फिर आप कर लेना टाइम से, ठीक है जी। इसलिए आप तकरीबन इस वक्त 1 बज चुका है, दोपहर का टाइम शुरू हो चुका है, समझ लो हम इसकी अब पहली मरतबा ट्राई करने लगे हैं, ट्राई करने लगे हैं। ये आपके सामने बेटा आराम से बेटा छिटे आते हैं मेरे ऊपर, ठीक है जी, अल्लाह खैर करे जी। और इंशाल्लाह रजीद ये बच्चों के लिए मुबारक हो, क्योंकि बाइज्जत तरीके से यहाँ बच्चे बैठ के खाना खाएंगे और सुकून भी करेंगे, आराम भी करेंगे, यहाँ से खाना खा सकते हैं जी और आसानी के साथ। और दरख्त की जानी कि इसमें हम पानी डालते रहा करेंगे, यहाँ से इसका पक्का कर दिया है और बीच में कच्चा है तो बाहर यानी कि पक्का है। हाँ जी खुश हो, राज़ी हो, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने हमारी वीडियो देखी और आप सब हमारे मौसन हैं, काबिल एहतराम तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ में याद रखना, बाय बाय करो, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।